वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये और 3 फ्लेवर में भी अवेलेबल है। इसके पीछे इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमें इसे किस तरीके से बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हमें मिला है पाउडर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 लीटर दूध। हमें दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, हम इसके अंदर जो पाउडर हमें बॉक्स में मिला है वो डाल लेंगे। इसके बाद में हमें बस इसको चलाते रहना है, इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे जो है वो चिपक ना जाए। इसको अच्छे से चला लेते हैं हम। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद में हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉक्स ले रही हूँ, इसके अंदर इसको डाल के हम फ्रिज के अंदर इसको रख देंगे। तकरीबन हम इसे जो है 2 से 3 घंटे फ्रिज के अंदर रखेंगे। इसके बाद में वापस से हम इसको खोल के देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये सेट हो चुका है। इसके बाद में हमें इसको वापस से एक बर्तन में निकाल लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपके पास अगर ये वाला स्पून है मिक्स करने वाला, तो आप इससे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रखनी है। अपने हाथों को बहुत तेज़ तेज़ हम इसको चलाएंगे और एकदम इसको मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब ये एकदम ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसके अंदर काजू ऐड किए हैं, उसी के साथ में कुछ टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में हम इसको वापस से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एल्यूमिनियम का बर्तन। इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो जल्दी सेट हो जाती है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बर्तन भी है तो आप वो ले सकते हैं, फिर उसको आप कवर कर लीजिएगा। अब हमें इसको कम से कम 5 से 6 घंटे रखना है। आपके फ्रिज के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं 3-4 घंटे या 5 घंटे, जैसे भी आपके आइसक्रीम सेट होती है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मेरे पास आइसक्रीम वाला स्पून नहीं है, इसलिए मैं इसको सब्जी वाले चम्मच की मदद से निकाल ले रही हूँ। कितनी टेस्टी लग रही है। हमें इसके अंदर और ऊपर से कुछ ऐड नहीं करना है, ना कोई चीनी ना कुछ, सिर्फ दूध और पाउडर की मदद से हमारी आइसक्रीम एकदम तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और उसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ईजी और यूनिक और बहुत ही टेस्टी वीडियोज़ मिलेगी।